पहाड़ों की गोद में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो प्रकृति के मनोहर दृश्यों एवं विविध सांस्कृतिक संपदा से परिपूर्ण है। प्राकृतिक खूबसूरती से सुसज्जित इन राज्यों को प्रधानमंत्री जी अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन किया गया। परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। पिछले 50 वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से कई मूलभूत सेवाएं प्रदान करने से लेकर स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एनईसी ने एक नया आर्थिक परिवेश स्थापित किया है। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में एनईसी ने कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, संसाधन और कौशल आधारित उद्योग, व्यापार और पर्यटन पर ध्यान देने के अलावा सांस्कृतिक विरासतों को संजोने पर भी विशेष जोर दिया है। लोगों तक पहुंच बनाकर उन्हें प्रगति के अवसर मुहैया कराए गए, ताकि उनकी जीवन शैली में बदलाव लाकर उन्हें विकास की राह पर अग्रसर किया जा सके। एनईसी की जिम्मेदारियों में इजाफा तब हुआ जब सितंबर 2001 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग यानी डोनर की स्थापना की गई और 2004 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा प्राप्त हुआ। एनईसी के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने